इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी क्लास सिक्स इंग्लिश चैप्टर इलेवन द केस ऑफ कॉपीड क्वेश्चन पेपर तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं द केस ऑफ कॉपीड क्वेश्चन पेपर्स मतलब ये ऐसा केस है जिसमें क्वेश्चन पेपर की कॉपी की जाती है और इस स्टोरी के ऑथर हैं कोनन डॉयल

He was a tall man of a nervous and excitable temperament. It was clear that he was extremely agitated over something. वह व्यक्ति नर्वस और उत्तेजित स्वभाव का था। ये क्लियर था कि वो व्यक्ति जो था, वो किसी बात को लेकर बेहद उत्तेजित था। Holmes, Mr. Holmes, can you spare me a few hours of your valuable time? We have had a very painful incident at the college. मतलब सोम्स मिस्टर होम्स से कहते हैं कि क्या आप अपने वैल्युएबल टाइम्स में से कुछ घंटे मुझे दे सकते हैं हमारे साथ कॉलेज में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है होल्स ओह रियली सोम्स आई मस्ट एक्सप्लेन टू यू मिस्टर होम्स टुमारो इज द फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर स्कॉलरशिप मतलब सोम्स कहते हैं कि कल एग्जामिनेशन का पहला दिन है स्कॉलरशिप के लिए

So, I आई लेफ्ट was, I I was amazed टू सी a की हैंगिंग इन द डोर मतलब साढ़े चार में मैं अपने दोस्त के कमरे में चाय लेने के लिए गया मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैंने उन पेपर को अपने डेस्क पे रख दिया और मैं एक घंटे तक एबसेंट था मतलब उस कमरे में नहीं आया जब मैं वापस आया तो मैं दरवाजे पर लटकी हुई चाबी को देखकर चौक गया दिस डुप्लीकेट की बिलोंग टू माइ सर्वेंट बेनिस्टर ही इज एन ऑनेस्ट मैन आई थॉट ही ही माइट माइट हैव हैव रूम टू आस्क टी देन केयरलेसली लेफ्ट द की इन द डोर मतलब ये डुप्लीकेट चाबी मेरे नौकर बेनिस्टर की है वो एक ईमानदार व्यक्ति है मुझे लगता है कि वो मेरे रूम में मुझे चाय पूछने के लिए आया होगा और लापरवाही से उससे चाबी दरवाजे में छूट गई होगी होम्स प्लीज कंटिन्यू मतलब बताइए आगे क्या हुआ सोम्स द मोमेंट आई लुक्ड एट माई टेबल आई वॉज अवेयर डेट रीज्ड माई पेपर्स द प्रूफ्स वेयर इन थ्री लॉन्ग स्लीप्स आई हैड देम टुगेदर नाउ आई फाउंड दैट वन ऑफ देम वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर वन वॉज ऑन द साइड टेबल नियर द विंडो एंड थर्ड वॉज वेयर आई हैड लेफ्ट इट मतलब सोम्स कहते हैं कि उस समय जब मैंने टेबल पे देखा तो मुझे यह पता चल चुका था कि कोई मेरे पेपर्स तक पहुंचा है जो पेपर्स थे वो तीन लंबे लंबे स्लिप्स में थे मतलब पर्चे में थे और मैंने उन्हें साथ में रखा था और अब मैंने पाया कि उनमें से एक नीचे फ्लोर पे गिरा हुआ था और एक विंडो के पास टेबल पर पड़ा हुआ था और तीसरा वहां था जहां मैंने उसे पहले रखा था होम्स वेरी इंटरेस्टिंग

और जब मैंने इसके बारे में से बात की तो वो लगभग बेहोश हो गया और कुर्सी पे गिर गया मिस्टर होम्स आप मेरी मदद कीजिए या तो मुझे अपराधी को पकड़ना होगा या एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना पड़ेगा होम्स आई सेल बी हैप्पी टू हेल्प यू डीड एनी वन विजिट यू इन योर रूम वेन यू वे रीडिंग द पेपर्स मतलब होम्स बोले कि मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी जब आप पेपर पढ़ रहे थे तो क्या कोई आपके रूम में गया था सोम्स यस स्टीव ए स्टूडेंट हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ही कैम टू आस्क मी समथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन मतलब सोम्स बोले कि हाँ एक स्टूडेंट जिसका नाम स्टीव है वो सेम फ्लोर पे रहता है और वो मुझसे एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पूछने आया था वॉटसन नॉन इल्स इन योर रूम मतलब और कोई नहीं सोम्स नो no. तो सोम्स कहते हैं नहीं होम्स देन इट अपियर्स डेट स्टीव एलोन कुड नो अबाउट द पेपर्स तब ऐसा लगता है कि केवल स्टीव को ही पेपर के बारे में पता होगा सोम्स सो इट सीम्स टू मी मतलब मुझे भी ऐसा लगता है लेट्स गो टू योर हाउस एंड एग्जामिन इट मतलब चलो तुम्हारे घर चलते हैं और जांच करते हैं द रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर मतलब जो सोम्स का घर था वो ग्राउंड फ्लोर पे था सोम्स एक ट्यूटर था ट्यूटर का मतलब होता है शिक्षक अब लिव थ्री स्टूडेंट्स और उसके ऊपर तीन छात्र रहते थे स्टीव गिलक्रिस्ट एंड रल्फ और उन तीनों का नाम था स्टीव गिलक्रिस्ट और रल्फ वन ऑन ईच स्टोरी मतलब हर एक एक फ्लोर पे स्टोरी का मतलब होता है एक एक मंजिला पे होम्स एग्जामिन द रूम एंड लुक एट द ओपन विंडो नियर द टेबल मतलब होम्स रूम की जांच करते हैं और टेबल के पास खुली खिड़की को देखते हैं ही थॉट फॉर ए वाइल एंड देन लुक एट द पेपर मतलब वो कुछ देर के लिए सोचते हैं और फिर पेपर को देखते हैं होम्स लेट मी सी थ्री पेपर्स देर आर नो फिंगर there आह देर आर सम मतलब होल्स कहते हैं कि मुझे पेपर को देखने दो यहाँ पे कोई उंगलियों के निशान नहीं है ओह यहाँ पे कुछ पेंसिल के सेट्स हैं वॉटसन नाउ लेट सी द टेबल देर आर सम ग्रेन ऑफ सो डस्ट ऑन इट मतलब अब इस टेबल को देखो इस पे कुछ सो डस्ट गिरे हैं सो डस्ट का मतलब होता है लकड़ी का बुरादा होम्स मिस्टर सोम्स नाउ विल यू प्लीज कॉल बेनिस्टर इन बेनिस्टर द ओल्ड सर्वेंट कम्स इन मिस्टर सोम्स अब क्या प्लीज बेनिस्टर को अंदर बुला सकते हैं बेनिस्टर वो ओल्ड सर्वेंट अंदर आता है होम्स आई अंडरस्टैंड डेट यू लेफ्ट योर की इन द डोर मतलब मैं समझता हूँ कि आपने अपनी चाबी दरवाजे पर छोड़ दी थी बेनिस्टर यस सर आई हैव डन दिस मिस्टेक अदर टाइम्स ऑल्सो मतलब हाँ सर यह गलती मुझसे कई बार हुई है होल्स वेन डिड यू इंटर द रूम मतलब आप कमरे में कब आए बेनिस्टर इट वॉज अबाउट फोर थर्टी डेट इज मिस्टर सोम्स टी टाइम मतलब उस समय साढ़े चार हो रहा था और मिस्टर सोम्स के चाय पीने का टाइम हो गया था होम्स डिड यू लुक एट sir, सर सर्टनली नॉट आई the टी ट्रे इन माई hands, सो आई थॉट आई would टेक द की लेटर ऑन देन आई forgot. मतलब नहीं सर बिल्कुल नहीं मेरे हाथ में चाय का ट्रे था तो मैंने सोचा कि मैं चाबी को बाद में ले लूंगा और मैं भूल गया होल्स रूम और मतलब है की कोई भी कमरे में जा सकता था और बाहर आ सकता था बेनिस्टर यस सर वॉटसन वेन मिस्टर सोम्स टोल्ड यू अबाउट द पेपर्स वे आर यू वेरी मच डिस्टर्ब मतलब जब मिस्टर सोम्स ने आपसे पेपर्स के बारे में बात की तो क्या आप बहुत परेशान थे बेनिस्टर यस सर आई नियरली फेंटेड हाँ मैं लगभग बेहोश हो गया था वॉटसन, वेयर वेयर यू स्टैंडिंग वेन यू बिगेन टू फील बैड जब आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा था तो आप कहाँ खड़े थे बेनिस्टर हेयर नियर द डोर यहाँ दरवाजे के पास होल्म्स बट यू सेट डाउन इन डेट चेयर नियर द विंडो वाई डिड नॉट यू सीट इन द चेयर नियर द डोर मतलब आप खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गए आप दरवाजे के पास कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे बेनिस्टर जस्ट ए चांस मतलब इत्तेफाक से होल्म्स वेयर यू हेयर वेन योर मास्टर लेफ्ट टू मीट मी मतलब जब आपके मास्टर यानी सोम्स मुझसे मिलने आए तो आप कब यहाँ आए बेनिस्टर ओनली फॉर ए मिनट मतलब केवल एक मिनट के लिए होम्स थैंक यू डेट विल डू यू मे गो मतलब धन्यवाद इतना करने के लिए आप जा सकते हैं मिस्टर सोम्स द थ्री स्टूडेंट्स लिविंग अब्स क्या आपने इसके बारे में ऊपर रहने वाले तीन स्टूडेंट्स को बताया है सोम्स नो सर नोट एवर्ड मतलब नहीं एक शब्द भी नहीं होम्स आई शुड लाइक टू है क्या यह हो सकता है ओपन द डोर एंड होल्स बोरोड ए पेंसिल फ्रॉम हिम फॉर मेकिंग सम नोट्स मतलब हम लोग ऊपर गए और स्टीव्स के रूम का दरवाजा खटखटाए। उसने दरवाजा खोला और होल्स ने उससे एक पेंसिल उधार लिया कुछ नोट्स लिखने के लिए द सेम थिंग हैपेंड इन रल्फ्स एंड रूम्स और यही चीज रल्फ के रूम में और गिलक्रिस्ट के रूम में भी हुआ होल्स एंड नाउ मिस्टर सोम्स आई विश यू गुड नाइट आई विल ड्रॉप इन अर्ली मॉर्निंग टूमोर विथ अ डेफिनेट एंसर मतलब मिस्टर सोम्स आपको गुड नाइट मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा एक स्पष्ट जवाब के साथ अर्ली मॉर्निंग होल्स कैम टू माई रूम मतलब जल्दी सुबह होम्स मेरे कमरे में आया वॉटसन हैव यू एनीथिंग पॉजिटिव टू टेल टू मिस्टर सोम्स मतलब क्या आपने मिस्टर सोम्स को बताने के लिए कुछ सकारात्मक किया है पॉजिटिव सोचा है होल्म्स यस माय डियर वॉटसन आई हैव सॉल्व द मिस्ट्री मतलब हाँ मेरे प्रिय वॉटसन मैंने रहस्य को सुलझा दिया है वी वेंट टू सोम्स हाउस ही वॉज एक्सट्रीमली वॉरिड एंड नर्वस मतलब हम लोग सोम्स के घर गए वह बहुत चिंतित और घबराया हुआ था मिस्टर सोम्स, विल यू प्लीज बेनिस्टर? को लगाएंगे? मतलब बेनिस्टर अंदर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप दरवाजे को बंद कर दीजिए नाउ बेनिस्टर विल यू प्लीज टेल अस द्रूथ अबाउट यर इंसिडेंट अब बेनिस्टर क्या आप मुझे कल के घटना के बारे में सच सच बताएंगे Bannister, आई हैव टोल्ड यू एवरी थिंग सर मतलब मैं आपको सब चीज बता चुका हूँ मतलब जब आप खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे थे तो क्या आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे मतलब क्या आपने उस आदमी को नहीं छोड़ा जो अंदर कमरे में छिपा था Penister, there was no man, sir. वहाँ कोई नहीं था सर सोम्स काइंडली कॉल क्रिस्ट गिल कॉल्ड एंड ही ग्लेट ईच ऑफस मतलब गिलक्रिस्ट को बुलाया गया और उसने हम में से प्रत्येक पर नजर डाली होल्स नाउ मिस्टर गिलक्रिस्ट वी वॉन्ट टू नो वाई did यू कमिट सच एन एक्शन मतलब गिलक्रिस्ट हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा काम क्यों किया गिलक्रिस्ट वॉज सॉक्ड एंड लुक एट बेनिस्टर मतलब गिल को देखा नो नो मिस्टर गिलक्रिस्ट आई नेवर ए वर्ड मतलब नहीं नहीं गिलक्रिस्ट मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है होल्स नो बट यू हैव नाउ आई टेल यू द होल स्टोरी नाउ मतलब नहीं अब आप नहीं अब मैं पूरी कहानी बताता हूँ मिस्टर सोम्स रूम्स विंडो वास ओपन मिस्टर सोम्स के कमरे की खिड़की खुली थी आई ट्राइड टू मेजर हाउ वुड बी सी देपर थ्रो विंडो वाइल ही पास मतलब मैं यह मापने की कोशिश कर रहा था कि वह व्यक्ति कितना लंबा होगा जो खिड़की के बाहर से इस पेपर को देख सकता है ओनली ए सिक्स फुट टॉल मैन केवल एक छः फुट लंबा व्यक्ति ही यह काम कर सकता है मैंने यह पाया कि फिट का है है. और एक अच्छा जम्पर भी है. He was practicing the jump. मतलब वह कूदने की कोशिश करता है ही कैम back कैरिंग हिज जम्पिंग शूज विच हैड शार्प स्पाइक्स मतलब वह वापस गया अपने जम्पिंग शूज लाने जिसमें शार्प स्पाइक्स थे एज ही your योर विंडो saw the proofs ऑन योर टेबल मतलब जैसे ही वह खिड़की से अंदर आया उसने टेबल पे पेपर्स को देखा ही इंटर थ्रो his शूज ऑन द टेबल एंड हिंस द स्क्रेचेस ऑन द टेबल मतलब वह खुले दरवाजे से अंदर आया और अपने जूते को टेबल पर रख दिया और इसी कारण टेबल पे स्क्रेचेस आए ही पुट हिज gloves ऑन द चेयर नियर द विंडो एंड टुक द प्रूफ पेपर्स टू कॉपी मतलब उसने अपने ग्लव्स को उतारकर खिड़की के पास चेयर पे रख दिया और पेपर को कॉपी करने लगा ही रॉट वेरी फास्ट एंड ब्रॉक हिज पेंसिल एंड हैड टू शार्पेन इट अगेन मतलब वह बहुत तेजी में लिख रहा था जिसके कारण उसका पेंसिल टूट गया और वो उसे फिर से शार्प करने लगा एंड दिस पेंसिल शेड हेल्प मी फाइंड आउट द कल्प्रेट और ये पेंसिल के शेड से मैंने अपराधी को पकड़ लिया लुकिंग एट द सेट आई कु पेंसिल वॉज नॉट ऑफ एन ऑर्डिनरी साइज मतलब ये पेंसिल सेड को देखो ये ऐसा नहीं लगता कि ये कोई ऑर्डिनरी साइज का पेंसिल होगा इट्स आउटर कलर वॉज डार्क ब्लू एंड इट हैड ए सॉफ्ट लीड मतलब इसका जो आउटर कलर है वो डार्क ब्लू है और इसका लीड सॉफ्ट है अपने जूते लिए और रूम के अंदर छिप गया लेकिन वो ग्लब्स लेना भूल गया बेनिस्टर प्रिटेंडेड टू फेंड टू गिव गिल चांस टू स्केप मतलब बेनिस्टर बेहोश होने का नाटक कर रहा था जिससे गिलक्रिस्ट को भागने का मौका मिल गया ही डाउन एट द कॉर्नर चेयर टू हाइड मतलब गिलो ग्रिस्ट के ग्लब्स को छिपाने के लिए चेयर के कॉर्नर पे बैठ गया वॉटसन मिस्टर बेनिस्टर वाई डिड यू हेल्प गिलक्रिस्ट बेनिस्टर आपने गिलक्रिस्ट की मदद क्यों की बेनिस्टर आई वॉज ए बटलर एट देयर हाउस बिफोर वर्किंग हेयर वेन आई सॉ द द्लव आई सेव हिम मतलब मैं यहाँ काम करने से पहले गिलक्रिस्ट के घर पे नौकर था जब मैंने ग्लब्स को देखा तो मुझे लगा कि गिलक्रिस्ट गिल का है और मैं उसे बचाना चाहता था होल्स इज डैट राइट गिलक्रिस्ट गिलक्रिस्ट क्या यह सही है गिलक्रिस्ट यस सर आई है लेटर विथ मी इन दिस आई द एग्जामिनेशन मतलब हाँ सर मेरे पास खुद के लिए एक लेटर है और उसमें मैंने यह लिखा है कि मैं एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा Sooms, I am to hear that. मतलब मुझे यह सुनकर खुशी हुई योर माइंड लेकिन तुमने अपना विचार क्यों बदला गिलर इज द मैन सेट मी ऑन द राइट पाथ गिलक्रिस्ट पॉइंटेड टू बेनिस्टर मतलब यह वो व्यक्ति है जिसने मुझे सही रास्ते पर लाया गिलक्रिस्ट ने बेनिस्टर की तरफ इशारा किया

लेट अस सी इन द फ्यूचर हाउ हाई यू कैन राइज मतलब आप एक बार तो नीचे हो गए हैं देखते हैं कि आप भविष्य में कितना ऊपर जा सकते हैं सो दिस वे द केस वॉज सॉल्व एंड मिस्टर सोम्स थैंक्ड होम्स फॉर दिस हेल्प मतलब इस तरह ये केस सॉल्व हो गया और मिस्टर सोम्स ने होम्स के मदद के लिए उनका धन्यवाद किया